और आजकल इतनी बात हो रही है एचपीवी वैक्सीन की और प्रिवेंशन ऑफ, मतलब उसे एज प्रिवेंशन ऑफ कैंसर ऑफ माउथ ऑफ यूट्रस प्रोपोगेट किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, किस एज ग्रुप में लेना चाहिए, कितनी डोजेस, और प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं कि नहीं? आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज अभी भी हमारी कंट्री में इसकी अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास ओपीडी में अगर कोई पेशेंट आती है, पूछो कि क्या उनको वैक्सीन लगी है, एचपीवी नहीं लगी, क्या उनकी बिटिया को लगी है, उनको नहीं लगी। एक्चुअली जो एचपीवी वायरस, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं इसके, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, जिसमें जेनाइटल वॉर्ट से लेके कैंसर ऑफ द सर्विक्स, जो कि बच्चेदानी का मुंह है, उसका कैंसर, विजाइना का कैंसर, वल्वा का कैंसर, इनफैक्ट इवन मेल्स में पिनाइल कैंसर ये कॉज करता है। एंड जो एचपीवी वैक्सीन के, एचपीवी से जो कैंसर हो रहे हैं, 90% प्रोटेक्शन ये वैक्सीन दे सकती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस वैक्सीन शुड बी गिवन। जो आइडल एज है दैट इज 9 to 14 years ऑफ एज। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा यंग एज में देने का ये है कि जब हम बच्चों में देते हैं तो उसमें बेस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है, नंबर वन। नंबर टू, जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज इट इज ओनली 2 doses व्हेन यू आर गिविंग इन द लेस देन 14 years ऑफ डोज, विच इज एट 6, 0 and 6 months। एंड द थर्ड थिंग इज सेक्सुअल एक्टिविटी होने से पहले, यानी कि एक्सपोजर होने से पहले आप वैक्सीन दे रहे हैं, सो इट विल हैव द बेस्ट एफिकेसी। अगर आप 14 के बाद दे रहे हैं, सो 15 to 26 years के बीच में, देन इट इज 3 doses, 0, 1 and 6, दो वैक्सीन हैं जो कि बाइवेलेंट एंड क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, दोनों अवेलेबल हैं। अभी एक नई वैक्सीन भी आ गई है, दैट इज द नोनावेलेंट वैक्सीन, विच इज कवरिंग इवन द मोर स्ट्रेन्स, 9 strains। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड बी गिवन इन ऑल फीमेल्स। अगर 26 के बाद देनी है, दो जो ACIP है, द एडवाइजरी कमिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस, नहीं रिकमेंड करता है 26 years के बाद, बट अकॉर्डिंग टू आर सोसाइटी, इफ वी सी दैट द फर्स्ट कंसमेशन इज वेरी लेट, द सेक्सुअल एक्टिविटी इज लेटर एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज। सो इवन आफ्टर 26 years ऑफ एज, इफ वी आर गिविंग, हम म्यूचुअल डिस्कशन से केयर गिवर एंड रेसिपियंट आपस में डिस्कस दे के आगे की एज में, इनफैक्ट 45 years एज तक ये दी जा सकती है। दैट इज रियली ग्रेट। तो क्योंकि कहते हैं कि एचपीवी जो हाई रिस्क होते हैं, जो कि कैंसर कॉजिक होते हैं, दे आर अबाउट 100 in number, तो क्या लेडीज कॉमनली पूछती हैं कि क्या हमें पैप स्मियर और एचपीवी टेस्ट पहले कराना चाहिए जो मैरिड है, और उसके बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए, या इसका कोई रोल नहीं है? जब भी पेशेंट ओपीडी में आएंगी, डॉक्टर के पास आएंगे और ये क्वेश्चन करते हैं, हमें उन्हें बताना है पैप स्मियर की सिग्निफिकेंस। पैप स्मियर इज इंपॉर्टेंट टू डू इट ऑन अ रूटीन बेसिस हर एक महिला के लिए, लेकिन एचपीवी वैक्सीन लगाने से पहले पैप स्मियर अनिवार्य नहीं है। बिकॉज इवन इफ एचपीवी इन्फेक्शन इज पॉजिटिव और वो महिला में पाया जाता है कि अभी एचपीवी पॉजिटिव है, तो भी वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, बिकॉज दूसरे स्ट्रेन से एटलीस्ट उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एक्सप्लेन इट टू द पेशेंट दैट कोई भी स्ट्रेन हो, उससे इन्फेक्शन हो सकता है आपको, तो अभी अगर पॉजिटिव भी है तो भी आप वैक्सीन ले लीजिए। तो फिर कराने का कोई फायदा नहीं है, नहीं, बट पैप बस जो स्मियर तो रूटीन मुझे, प्रोटोकॉल में है पैप स्मियर, वो हमें उनको आइडियली बताना है कि जो एवरी 2 years आप पैप स्मियर कराते हैं, वो आप कराते रहिए। बिल्कुल, क्योंकि पैप स्मियर जो 90% अब आपने सेफ्टी बताई, तो बाकी 10% के लिए काम करेगा। सही, यस आपने बहुत अच्छी बात बताई है ये।